अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, तो आज जियोलॉजी एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हमने पहले तो जियोलॉजी को कवर किया है पिछले 43 में, तो इस दफ़ा जो है हम अर्थक्वेक की तरफ आई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये दो चीज़ें, दो इंटर इंटर रिलेटेड और इंटर लिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं। जियोलॉजी एक अलग से पूरी फील्ड है, पूरा एक स्कोप है, और जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है वो एक डिफरेंट स्टडी है, मगर क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं, आपस में कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से इन दोनों को स्टडी करना ज़रूरी है। और इसलिए ये HEC ने हमारे करिकुलम में, सिविल के करिकुलम में उसको एक जो है वो कंबाइंड कोर्स कर दिया है। तो इसमें अब जो पार्ट हम कवर करेंगे वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में जैसा कि आपको पता है कि जलजले के जो भी डायनामिक्स होते हैं, जलजला क्यों फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है, उस जगह के डायनामिक्स क्या होते हैं जहाँ जलजले आते हैं, फ्लड्स किस तरह आते हैं, और जो स्ट्रॉम सी स्ट्रॉम्स होते हैं वो सी स्ट्रॉम किस तरह आते हैं, तो इसमें हम वो सब कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें अब जो हम स्टडी कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन भी नरेट करूंगा, उसके बाद मैं इसको ब्रीफ करता चला जाता हूँ। एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड रैपिड शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ वाइब्रेशंस बीनीथ कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस ऑफ इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम्स ऑफ रॉक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। Earthquakes are measured using observations from seismometers. Seismic waves are recording on instruments called seismographs. The time, location, and magnitude of an earthquake can be determined from the data recorded by seismograph station. So, देखें, earthquake जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही rapid shaking होती है ground की, जिसके नतीजे में जो है वो वाइब्रेशन पैदा होता है ग्राउंड के नीचे, और उसमें वो पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाता है पूरा। तो अब इसमें जो इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए ना वर्ड यूज़ किया जाता है सिस्मोलॉजी की टर्म इसके लिए यूज़ होती है साइंटिफिक स्टडी में। और इसके जो मेजरिंग टूल्स होते हैं, जो मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो होते हैं सिस्मोमीटर्स के थ्रू हम उसका जाहिर सी बात है उसकी जो भी उसकी इंटेंसिटी होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। द टाइम, लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेटा रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ स्टेशंस। सिस्मोमीटर्स आप नहीं समझते कि छोटी सी कोई चीज़ है, जाहिर सी बात है पूरा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए पूरा एक सेटअप रिक्वायर्ड होता है। तो उस सेटअप के लिए पूरे सिस्मोग्राफ स्टेशन पूरे इस्टेब्लिश होते हैं। जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट लेवल पे ये सेटअप इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और उसको ऑटोनोमस बॉडी के तहत ऑपरेट करते हैं, या फिर जैसे भी उसके अंडर वो ऑपरेट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें इस इक्विपमेंट को अपडेट होने की ज़रूरत होती है। और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती चली जा रही है, कोई ये इक्विपमेंट अब और ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहे हैं, और उसको हम मैक्सिमम अब जितना ज़्यादा हो सकता है हम उसको कंप्यूटराइज वे में उसको लेके जाते हैं, उसको हर तरह से मॉनिटर करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। उसको भी हम जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है सिस्मोग्राफी में हम उसको भी आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आ गया। ये कुछ ये एक जो ये फिगर है ये आपको बता रही है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, और जो आपका क्रस्ट का बता रहा है। जाहिर सी बात है जो जलजला होता है वो क्रस्ट, और या जिसको आप लिथोस्फेयर कहते हैं, जो अर्थ की लेयर होती है उस पर आता है, तो उसकी मूवमेंट से जब वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप हो जाती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो फिर सरफेस पर जलजला पैदा होता है। Shifting of tectonic plates send vibration or shock waves through the ground. अच्छा, ठीक है, epicenter बता रहा है, ये इसका epicenter है। ये epicenter क्या होता है कि जिसको कहते हैं जलजले का मरकज। तो वो जलजले का मरकज आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में कि जलजले का मरकज जो है वो पाकिस्तान में ये वाला पॉइंट था। मरकज मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है जलजला, फिर वो उससे फैलता है
जैसे शॉक वेव्स नहीं फैल रही हैं, ग्रो फेंटर फार्दर फ्रॉम द एपिसेंटर एंड डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ इज लेस सीवियर। अब वो जितना जितना दूर तक उसका इम्पैक्ट फैलता है तो जाहिर सी बात है दूर होगा उतना कम होगा, जितना जहाँ जितना करीब एपिसेंटर के करीब होगा हमारे डिस्ट्रक्शन का लेवल जितना जितना करीब होगा उतना ज्यादा होगा, उतना सीवियर होगा, इतना इंटेंस होगा। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल, अच्छा आपने अक्सर सुना होगा कि इतने रिक्टर स्केल का जल्जला आ गया, रिक्टर स्केल का आपने अक्सर टर्म यूज किया वो यही है रिक्टर स्केल, रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। द रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल वाज डेवलप्ड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिक्टर, 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1935 में इसको इस सिस्टम को डेवलप किया था, स्केल को डेवलप किया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने। अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड ऑफ अबाउट 2.0 और लेस आर यूजुअली कॉल्ड माइक्रो अर्थक्वेक्स आर जनरली कॉल्ड ओनली ऑन लोकल सिस्मोग्राफ्स। 2.0 या उससे लेस रिक्टर स्केल के जो जल्जले होते हैं उसको लोकल सिस्मोग्राफ्स के साथ मॉनिटर किया जाता है। जो भी ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो 4.5 और उससे ग्रेटर रिक्टर स्केल के होते हैं तो उस उन मैग्नीट्यूड वाले जल्जलों को सेंसिटिव सिस्मोग्राफ्स के जरिए सारी दुनिया में इसको मॉनिटर किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी इंटेंसिटी को जो है वो मेजर किया जाता है। ग्रेट अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 8.0 और हायर। अभी रिसेंटली एक जल्जला आया था, आपको आपने देखा होगा अक्सर वो कश्मीर की साइड पे अभी रिसेंटली आया था, मेरे ख्याल है 2019 की बात है। तो उसमें वो जो जल्जला था वो 8 रिक्टर स्केल का था, वो आप स्टडी करिएगा जाके, उसको गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत शदीद जल्जला था, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, मगर उसका क्योंकि जल्जले का मरकज जो है वो माउंटेनस रीजन पे था तो वो लैंड स्लाइडिंग हुई कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, मगर जाहिर सी बात है जब लैंड माउंटेन्स हैं तो वहाँ माउंटेन्स पे इस तरह से आबादी नहीं है, वो लैंडस्केप्स हैं तो लैंडस्केप्स पे इतनी ऐसी कोई फ्रीक्वेंट किस्म की कोई पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड आबादी नहीं है तो उतना जान नुकसान नहीं हुआ, मगर ठीक ठाक जो है वो बहुत शदीद जल्जला था। वो एवरेज वन अर्थक्वेक और सर्च साइज अक्योर समवेयर इन द वर्ल्ड ईच ईयर। इस वही बात है वो कि देखें इस शिद्दत का, इस नौयत का, इस इंटेंसिटी का जल्जला जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है इस दुनिया में आ जाता है हर साल। ये जाहिर सी बात है टेक्टोनिक मूवमेंट है, उसकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसकी वजह से आ जाता है। ये रिक्टर स्केल को उन्होंने जो है वो बताया है कि किस तरह से जो है वो इसमें मॉनिटर हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 है, फिर 1 है, ठीक है। 1 तक तो इतना फील नहीं होता, जब जल्जला आ जाता है तो आपको इतना फील नहीं होगा। 2 से लेकर 4 तक माइनर किस्म का जल्जला जो आपको महसूस होता है कि जल्जला आ रहा है, मगर उसमें आपको डैमेजेस फील नहीं होते। फिर स्मॉल 4 से लेकर 5 तक जो है, 4 से अपवर्ड 5 तक जो 5 रिक्टर स्केल तक स्मॉल होता है, 6 तक जो है वो मॉडरेट होता है, मतलब 6 पे तबाही होना शुरू हो जाती है, 6 पे अच्छा खासा डैमेज होना शुरू हो जाता है, स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि माउंटेनस रीजन है तो आपको पता है कि वो लैंड स्लाइडिंग होगी, पहाड़ बह जाएंगे, नीचे और वादियाँ बन जाएंगी। वो वादियाँ तो इसी तरह बनती हैं, जो वादियाँ होती हैं, जो झीलें फॉर्म हो जाती हैं वो तो इसी तरह बनती हैं। और जो 6 से 7 का जो स्केल है वो ख़तरनाक है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो मेजर है वहाँ पर आपको पता है, आपको पता है कि हमारे पास पाकिस्तान में इस तरह के जल्जले आ चुके हैं। पाकिस्तान जो है सिस्मिक जोन में वाकई है, सिस्मिक बेल्ट पे पाकिस्तान वाकई है। पाकिस्तान का भी सिस्मिक जोन का जो सिस्मिक मैप है मैं आपसे शेयर करूँगा, उसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना इंडेंजर्ड है। और फिर भी एक समझ लें कि एक जाहिर सी बात है कुदरत है कि वो चीज़ जहाँ पर ये साइंस सारी और रिसर्च सारी और जितनी भी फेल हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से है कि हम किस तरह से बचे रहते हैं, वरना जिस शिद्दत से हमारा जो और जापान का जो ताल्लुक है वो कोई 60-40 का फर्क होगा, वो 100% है तो हम 60% सिस्मिक जोन में, हमारी जो आबादी है सिस्मिक जोन पे, हमारा ज़्यादातर मोस्टली जियोलॉजिकल हमारा जो लैंड है, जो लिमिट है, जो जियोलॉजिकल लिमिट्स है हमारी वो सारी सिस्मिक जोन में वाकई है। तो ये बड़ा एक जो है वो खतरनाक जो है सिनेरियो, मगर फिर भी अब ये 8 को आप देखें, ये 8.9 का बता रहा है, 8.9 का लार्जेस्ट रिकॉर्डेड है अभी तक, सबसे ज्यादा बड़ा जो जल्जला आया है वो 8.9 रिक्टर स्केल का आया है, जो कि लार्जेस्ट रिकॉर्डेड है, जो कि ऑफशोर चिली
1960 ऑफशोर चिली, वो चिली के किसी ऐसी जगह पे वाकई हुआ था जहां पर उसका जो वो हुआ था समंदर में, ऑफशोर का मतलब होता है समंदर, तो समंदर के एजिस पे वो सतह मतलब साहिल समंदर के करीब चिली में जो है वो आया, और वो सबसे ज्यादा शिद्दत का जलजला जो है वो 8.9 का था। कॉजेस क्या वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया सबसे कॉमन जो उसकी वो है जो रीजन है इसका जलजला का, टेक्टोनिक मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी जो आतिशफिशा होते हैं, आतिशफिशा फटते हैं, आतिशफिशा के अंदर आपको पता है आपने देखा होगा कि अक्सर आतिशफिशा के अंदर जो है वो वोल्केनोज में अंदर उसकी लावा की मूवमेंट होती रहती है, कंबशन होता रहता है, फिर उसके फट जैसे वो फटता है तो पूरा वो हिल जाता है, तो वो मूवमेंट जाहिर सी बात है वो जो वोल्केनो है वो तो जमीन का हिस्सा है ना, वो जमीन का हिस्सा है जमीन के, और जो वोल्केनो जमीन के अंदर पक रहा है फिर वो भी उबल रहा है, वो अलग उसका एक अंदर पूरी एक एक्टिविटी चल रही है, तो वो एक्टिविटी जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी इम्पैक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा उसके सराउंडिंग एरियाज में ज्यादा आ जाता है। प्रेशर ऑफ गैसेस इन द इंटीरियर, अच्छा देखें आपको पता होगा जैसे सुई का मकाम है, सिंध में बहुत सारे एरियाज हैं हमारे पास जहाँ अंडरग्राउंड गैस निकलती है, अगर कभी आप अक्सर सुई की तो काफ़ी सारी वीडियोज यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, वो मैं भी मुझसे हो सका तो मैं शेयर कर लूँगा, नहीं तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, आप उस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जब उबलता है ना तो पूरा जितनी जमीन है ना वो पूरी पूरी एकदम से वो उबल के जैसे उबल गया नीचे वो उबाल आ जाता है, वैसे उबाल एकदम से आता है उसके ऊपर, तो वो पूरी पूरा जो टुकड़ा है वो हिल जाता है और कंबशन होता है, जाहिर सी बात है जब गैस निकल रही है तो वो कंबशन के थ्रू अपना प्रेशर दे रही है, तो वो प्रेशर से जाहिर सी बात है वो मूवमेंट आती है, मगर आती है माइनर भी हो सकती है मेजर भी हो सकती है, वो चीज़ है कि अगर जाहिर सी बात है सरफेस की जब मूवमेंट होती है तो रिक्टर स्केल पर उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, वरना जाहिर सी बात है आप उसकी इंटेंसिटी को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस, अच्छा देखें जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, अब फर्ज करें कि जो बारिश हो गई, ठीक है बारिशें हो गई और बहुत ज़्यादा तूफानी बारिशें हो गई, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि माउंटेनस रीजन्स होते हैं, ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग माउंटेनस रीजन्स होती भी होकर आती हैं, तो जाहिर सी बात वो जैसी वहाँ पर उसके वो बर्दाश्त नहीं कर पाती उस रेनफॉल को, उस स्ट्रॉमी रेन्स को, तो वो लैंडस्लाइड कर जाती है, उस लैंडस्लाइड करके वो दूसरी पीस जाहिर सी बात है जो जो उसके पत्थर हैं बड़े बड़े रॉक्स हैं वो उसका स्लाइड करते हैं, तो वो एक अपने साथ पूरा एक हिस्सा जमीन का टुकड़ा लेके चलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ जहाँ पर वो टुकड़ा मूव करता हुआ जाएगा वो डैमेज देता हुआ जाएगा, तो वो भी एक कॉज है अर्थक्वेक की, जब वो खुद एक इवेंट है। फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग इन द रॉक बेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग माइनर अर्थक्वेक। फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग इन द रॉक बेड्स, देखें रॉक बेड्स क्या होते हैं कि जमीन के अंदर जैसे पूरे जो है वो एक बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, सही है, वैसे वहां पर अंदर बहुत बड़े से रॉक्स हैं, वो अगर रॉक्स मल्टीपल रॉक्स डिफरेंट रॉक्स होते हैं मिला के तो वो एक पूरा रॉक बेड बनता है, तो वो उसके अंदर फॉल्ट आना, उसके उसके उसकी मूवमेंट होना, आपस में उनका टकराना, उसके टकराने से जो है वो वाइब्रेशन पैदा होना, उसके टकराने से इंटेंसिटी का पैदा होना, वो भी माइनर अर्थक्वेक का रीजन बन सकता है। जाहिर सी बात है कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उसकी जब आप दो पत्थर लें आपस में उनको टकराएं उसको एक दूसरे से मारें आप तो आपके हाथ वाइब्रेट हो जाएंगे, जो उसका जो उसकी जो एक दूसरे टकराने की जो शिद्दत होगी ना आपके आपको अपने हाथों पर महसूस होगी, तो जो भी जो उस रॉक बेड्स के साथ जो चीज़ अटैच्ड है ना अगर वो जब रॉक बेड्स टकराएंगे आपस में रॉक बेड की जो है फोल्डिंग होगी, जब वो फोल्डिंग होगी जब वो फोल्ड होंगे जब वो मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो उसके साथ अटैच जो सरफेस है या ऊपर उसके कोई घर बने हुए हैं उस रॉक बेड के ऊपर कोई घर बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रक्शन का खतरा मौजूद है, तो वो माइनर अर्थक्वेक की एक सूरत है। मैन मेड अर्थक्वेक्स, अच्छा देखें कुछ तो नेचुरली जो है कॉजेस मैंने बताया आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी गलतियों की वजह से या हमारी कोताहियों की वजह से हमारे मैन मेड, जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि वो हमारी गलतियों की वजह से जो है वो हो जाता है। दो रीजन दिखाएं इसमें, द इम्पाउंडिंग ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर बिहाइंड डैम्स डिस्टर्ब द क्रिस्टल बैलेंस, द शॉक वेव्स थ्रू रॉक सेटअप बाय द अंडरग्राउंड टेस्टिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स मे बी सीवियर टू कॉज अर्थक्वेक।
अच्छा देखिए इसमें क्या है कि इम्पाउंडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बिहाइंड डैम्स, देखें बहुत बड़े बड़े डैम्स, होवर डैम की मिसाल ले लें, होवर डैम हो गया, ये तरबेला डैम है हमारे पास, ये बहुत बहुत बड़े डैम्स है, होवर डैम तो बहुत ही बड़ा डैम है, वहाँ उसके पीछे जब पानी की स्टोरेज हो रही है, उसका पानी को आप स्टोर कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है क्रिस्टल बैलेंस, क्रिस्टल क्रस्ट, आपको पता है क्रस्ट कहते हैं, लिथोस्फेयर की दूसरी टर्म क्रस्ट है, तो क्रस्ट क्रस्टल बैलेंस जो है, जो क्रस्ट उसके साथ अटैच्ड है, जो क्रस्टल एरिया उसके साथ लाई कर रहा है उस डैम के साथ, जाहिर सी बात है पानी है वो हिल रहा है, इतना ह्यूज वॉल्यूम में अमाउंट में वो पानी है, तो जाहिर सी बात है वो पानी का इम्पैक्ट जो है वो तो पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट की वजह से वो पानी जब मूव करता है या वो पानी के अंदर कुछ मूवमेंट होती है, तो जब वो पानी का, जाहिर सी बात है पानी एक जगह ठहरा हुआ है तो जमीन में तो उतरता है ना पानी, आपको पता है कि अंडरग्राउंड जो उसके साथ उस जो डैम का, जो डैम की जो वॉल है उसके नीचे जो सरफेस है, जो जो क्रस्ट की सरफेस है, उसमें तो पानी रिस जाता है, रिसता है पानी उसके अंदर, वो जाहिर सी बात है इतनी ह्यूज अमाउंट में तो नहीं अंदर उसके एब्जॉर्ब होता, मगर कुछ अमाउंट में वो एब्जॉर्ब होता है, जिससे उस क्रस्ट की जो क्वालिटी है, जो उस क्रस्ट की जो एक उसके अंदर एक जो सॉलिडिटी है, वो सॉलिडिटी उसकी डिस्टर्ब होती है, वो बैलेंस उसका डिस्टर्ब होता है ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है उसमें पत्थर हैं बहुत सारी, उसमें मिट्टी है बहुत सारी चीज़ें, उसमें पानी मिल गया क्या, ठीक है, तो पानी मिल गया तो उसके अंदर जो 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 उसका सब्सटेंस है ना, जो उसके जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगी तो वो मूव करेगी, वो उसमें एक जो है वो एक समझ लें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की मूवमेंट हो जाएगी शुरू, तो वो जो है वो भी एक मैनमेड अर्थक्वेक की वजह बन सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटी, आजकल जो एटम बॉम्ब्स हैं और आजकल पूरे पूरे प्लांट्स, आपको शायद पता हो कि पूरे पूरे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ममालिक में, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उन्होंने जमीन के अंदर वो प्लांट अपने लगाए हुए हैं, पूरी पूरी फैक्ट्रीज अंडरग्राउंड लगी हुई हैं, वो पूरे पूरे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, लेबॉरटरीज अंडरग्राउंड लगी हुई हैं, जाहिर सी बात है वहाँ टेस्टिंग भी होती है एटम बॉम्ब्स की, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहा है, वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसी बात ऐसे थोड़ी वो तो पहली दफ़ा थोड़ी एकदम ब्लास्ट करेंगे तो पता चलेगा, उससे पहले भी कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिव रेज हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर रेज, न्यूक्लियर है उसका यूरेनियम की एब्जॉर्प्शन है, यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन है, तो उसका जो प्रोसेस पूरा चलता है वो रेडियो एक्टिव रेज जनरेट करता है, तो उसके उस रेडियो एक्टिव रेज के नतीजे में भी जाहिर सी बात है क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो रही है तो वो कहीं ना कहीं तो रेडियो एक्टिव रेज जाएंगी ना, तो जब जाती हैं तो वो सरफेस से टकराती हैं, वो भी क्रस्ट से टकराएंगी जाके, तो वो इवेंचुअली जो है वो अर्थक्वेक जनरेट होता है, और अर्थक्वेक मैनमेड अर्थक्वेक की दूसरी टाइप की भी है। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स इसके ये हैं, अर्थक्वेक कॉजेस डिसमेंटलिंग ऑफ बिल्डिंग्स ब्रिज एंड अदर स्ट्रक्चर्स एट और नियर एपिसेंटर, रेल्स आर फोल्डेड, अंडरग्राउंड वायर्स ब्रोकन, earthquakes originate sea waves called tsunamis, earthquakes result in the formation of cracks and fissures on the ground formation, the earthquake cause landslide due to earthquake may block valleys to form lakes। अच्छा देखें destruction तो आपको पता है कि buildings bridge हैं, buildings हैं, structures हैं, epicenter के करीब जो कि ज़लज़ले का मरकज होता है वो तमाम बर्बाद हो जाती हैं, बिल्कुल तबाह हो जाती हैं, अंडरग्राउंड जो है वो वायर्स भी ब्रेक हो सकते हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग जो होती है इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वो ब्रेक हो जाती है, रेल्स अंडरग्राउंड रेल्स हैं वो फोल्ड हो गई, बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जाहिर सी बात है जब आपके आपकी रेल की पटरी जो है, रेलवे ट्रैक जब मूव होता है, शिफ्ट होगा एक जगह से, हिलेगा तो एक्सीडेंट तो लाजमी होगा, या वो रेल पूरी फोल्ड हो जाएगी। अर्थक्वेक और अर्थक्वेक ओरिजिनेट सी वेव्स कॉल्ड सुनामीज, जब समंदर के नीचे जलजला आता है, समंदर की जो नीचे सतह है, सतह ज़मीन है, उस पर जब जलजला आता है तो जाहिर सी बात है कि वो जब हिलता है तो पानी की इवेंचुअली अल्टीमेटली पानी भी मूव करता है, समंदर भी मूव करता है, तो वो जो वेव्स हैं वो सी वेव्स जो ओरिजिनेट होती हैं, सी वेव्स जो जनरेट होती हैं एक बहुत ही मेगा लेवल की, मेगा स्केल की सी वेव्स जनरेट होती हैं, तो वो सुनामी आज तक तो हमने जो सबसे बड़ा वो देखा है
जो हमने तूफान देखा है, समुद्री तूफान जो देखा है हमने, वो सुनामी है, और उसके डैमेजेस से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि उससे किस किस नौयत के डैमेजेस जो हैं वो हाँ एशिया में, और एशिया सबसे बड़ा विक्टिम है उसका, एशिया में सबसे ज्यादा उसकी तबाहियां हुई हैं सुनामी की, वो आप लोग को पता है। तो उस सुनामी को भी हम स्टडी करेंगे आगे जाके कि उसके उसके क्या इम्पैक्ट थे, क्या उसका एपिसेंटर क्या था, क्या ये सब हम स्टडी करेंगे। अर्थक्वेक सीजन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स एंड फिशर्स ऑन द ग्राउंड फॉर्मेशन। ग्राउंड जाहिर सी बात है कि जहां पर अर्थक्वेक आया है, आगे पिक्चर्स आएंगी मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा ग्राउंड पूरा तबाह हो जाता है, क्रैक आ जाते हैं, उस वो रोड टूट जाते हैं, वो पूरी जो जमीन का पूरा खत्ता है पूरा वो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, पूरी पूरी गहराई मतलब काफी डेप्थ तक उसमें क्रैक आ जाते हैं। वो जाहिर सी बात है इतनी डेप्थ में क्रैक, क्योंकि नेचुरली क्रैक बन गया तो उसको उसको तो भर भी नहीं सकते आप, वो इतना वो फिर वो खत्ता आपको अवॉइड करना पड़ता है उसको, आपको आप उसको कहीं पर यूज नहीं कर सकते उस जगह को, अब उसको आपने ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए कोई आपको और भी हिफाजती इकदाम, वो सेफ्टी प्रिकॉशन उस एरिया के लिए आपको इजाफे करने पड़ जाएंगे कि लोग वहां पर नहा जाएं, या फिर जाहिर सी बात है कि लोग देखने चले जाएंगे तो वो भी खतरा है, तो कोई अगर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई गिर गया उसके अंदर, तो 10 किस्म के एक्सीडेंट जो है हो सकते हैं। फिर दी अर्थक्वेक्स कॉज लैंडस्लाइड्स। अगर किसी का जाना होता है मरी की तरफ या उससे आगे मुजफ्फराबाद वगैरह जाते हैं, तो आपको अक्सर जब आप बारिशों के मौसम में वहाँ जाएंगे तो कभी आपको वहाँ लैंड स्लाइडिंग नजर आएगी, वहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है बारिशों में, और जलजला जब आता है तो वहाँ पर आपको वो लैंड स्लाइडिंग, तो जो बारिश होती है वो तो खैर इतनी कोई बड़ी नहीं होती है, मगर जब जलजले से जब आती है तो पूरे पूरे पहाड़ पहाड़ भी ढह जाते हैं। जाहिर सी बात है कि वो एक इम्पैक्ट है, जलजले का एक इम्पैक्ट है जो लैंड स्लाइड करता है, तो वो भी वो उसके नतीजे में लैंड स्लाइडिंग होती है। लैंड स्लाइड ड्यू टू अर्थक्वेक में ब्लॉक वैलीज टू फॉर्म लेक्स। अब इसके अंदर क्या है कि अब लैंड स्लाइड हुई कि नीचे एक लेक बह रहा है, उस लेक के दरमियान जाके वो जो है ना ब्लॉकेज हो गई, वो जो जितने मलबा है लैंड स्लाइडिंग का मलबा है वो गिरा जाके उन लेक्स में और वो ब्लॉकेज हो गई, तो वो एक ये भी नुकसान है कि वो लेक खराब हो गया, आपका लेक की फॉर्मेशन खराब हो गई, वो लेक जो है वो अब उस तरह से जो है वो नहीं ऑपरेट करेगा इस तरह से वो पहले कर रहा था, ये भी चीज है। नैरो ज्योग्राफिक जोन ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग विच मोस्ट एक्टिविटी अर्थक्वेक एक्टिविटी अक्यूर्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ सीवियर लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा देखिए वही चीज मैंने बताया आपको कि जो अर्थक्वेक होता है वो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी कि आपका जो क्रस्ट कहलाता है, ये लिथोस्फेयर पे जो है वो जलजला आता है, जो सबसे ऊपर वाली जो सतह है जिस पे हम चलते फिरते हैं वो लिथोस्फेयर है, वो क्रस्ट है बेसिकली, तो उसके ऊपर उस पे कुछ वो टेक्टोनिक प्लेट से फॉर्म हुआ है, उसमें भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इस पे फॉर्म हुआ है वो, तो ये जो सिस्मिक बेल्ट्स हैं, देयर आर 3 मेन सिस्मिक बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, सरकम स्पेसिफिक सिस्मिक बेल्ट, एल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट और रिज सिस्मिक बेल्ट, ये 3 सिस्मिक बेल्ट्स हैं। ये 3 सिस्मिक बेल्ट जो हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और डिफरेंट रीजन्स को कवर कर रहे हैं, ये तमाम वो सिस्मिक बेल्ट हैं जहाँ पर जलजला आने की गुंजाइश मौजूद है, उस इलाके में जलजले की पोटेंशियल मौजूद है। सिस्मिक बेल्ट ग्लोबल अर्थक्वेक एपिसेंटर लोकेशंस, ये आपके सामने पूरा जो 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 ये रेड जो एरिया है पूरा ये सिस्मिक जोन है, तो रेड हाइलाइटेड एरियाज है जितना भी, ये सब सिस्मिक जोन है। आप देखें कि कितना ग्रीन है और कितना रेड है, आप पता चल जाएगा कि ये अर्थक्वेक एपिसेंटर है, यहाँ से तो जलजला आता है, ये जलजले का मरकज जो होता है जलजले का वो ये होता है। अब फर्ज करें कि अगर एक मैं आपको ये मिसाल दूँ कि यहाँ पर जलजला आ गया, इस जगह पर जलजला आ गया, या इस जगह पर जलजला आ गया, इस पॉइंट पर जलजला आ गया नीचे समंदर में, तो ये क्या करेगा, ये तो इधर ये तो जितना पूरा इसका ये जो पूरा एरिया ये पूरा सबको ले जाएगा, तो ये सैलाब आ जाएगा, ये पानी का जो ये सुनामी आ जाएगा इधर, तो इसी तरह से ये जो भी एपिसेंटर है समंदर में है शो हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है सैलाब लाने के लिए। जलजला तो जगह जलजला तो जहाँ भी जिस भी जगह पे आएगा, जैसे समंदर में आएगा या सतह या फिर उस पे जमीन पे आएगा तो वो तो डैमेज तो देगा, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो समंदर में आएगा वो किस तरह इम्पैक्ट डालता है आपकी खुश्क सतह के ऊपर।
सिस्मिक वेव्स हैं। वेव्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं, ये तीन या चार किस्म की वेव्स होती हैं। तो उस ये एक पी वेव होती है, फिर एक एस वेव होती है, फिर एल वेव होती है। तो ये तीन वेव्स जो हैं इसमें ये वेव्स को हमने ना थोड़ा सा डायरेक्टली बात में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपको वेव्स का टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बता दूँ मैं आप लोगों को, पी वेव्स का जो की जो फॉर्मेशन होती है उस तरह से होती है, वो काफ़ी कंटिन्यूस और स्ट्रेट पैटर्न में मूव करती है वो वेव, और ज़ल्ला तो उससे भी आता है क्योंकि वेव मूवमेंट तो हो रही है ना। तो वो जो है वो काफ़ी मतलब कंटिन्यूस होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूम थ्रू अ कंटिन्यूम एंड आवर फर्स्ट वेव द फ्रॉम द अर्थक्विक टू अराइव एट द सिस्मोग्राफ। सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे भी यही वाली जो लेयर होती है जो पी वेव होती है, ये सबसे पहले यही उस पर डिटेक्ट होती है। फिर एस वेव से सेकेंडरी वेव और शेयर वेव भी इसको कहते हैं, इलास्टिक वेव भी इसको कहते हैं। इसकी इमेज लाता हूँ, ये इस तरह की होती है, ये वेव होती है, ये वेव ही होती है, ये जो है ये इलास्टिक मूवमेंट होती है इसके अंदर। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो उसका जो है वो ऊपर अप एंड डाउन चलता है इसका। ये ज़्यादा डैमेजिंग होती है और ये एस पी के बाद एस वेव डिटेक्ट होती है रिक्टर स्केल के ऊपर, तो इस तरह से है। और फिर है एल वेव, द थर्ड जनरल टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड अ सरफेस वेव, रीजन बीइंग इज दैट इट्स मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू नियर द ग्राउंड सरफेस। अच्छा, रीजन बीइंग इज दैट इट्स मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू नियर द ग्राउंड सरफेस। ये जो एस वेव है ये ग्राउंड सॉरी एल वेव जो है ये ग्राउंड सरफेस से कनेक्टेड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये ग्राउंड सरफेस जो है ये उससे कनेक्टेड है। और ये नीचे मतलब ये ग्राउंड है ना, देखें ग्राउंड क्या है, नीचे अंडरग्राउंड, सो हम कहते हैं ग्राउंड, अक्सर आपने सुना होगा ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो है वो उस ग्राउंड वाटर की टर्म जमीन के जेरे जमीन पानी के लिए यूज होती है। तो ये जो आता है वो ग्राउंड सरफेस पे जो है वो रिलेट करता है डायरेक्टली, और वहां पर जब जलजला आता है तो वो एल वेव के थ्रू आता है। और एल वेव जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चांस होता है कि वो एल वेव के थ्रू जलजला आए। इसके लिए देखें प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस इसके लिए हैं, अभी तक स्टडी हुए हैं, तो प्रिकॉशंस हम नेक्स्ट टाइम लेंगे इसको। मैं काफ़ी जो है वो डिटेल में नेक्स्ट टाइम प्रिकॉशन सारे स्टडी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्ट्रक्चर्स हो गए, इसको स्ट्रक्चर्स को हम बनाते हैं, सॉइल टेस्ट करते हैं कि सॉइल की जो टेंडेंसी है, कॉम्पैक्शन टेंडेंसी है वो किस तरह से है, वो क्या है, उसको कितना जो है वो, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग से पता चल जाता है कि यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जो है ना वो एलैबोरेट वो कर देता है आपको। सॉइल टेस्ट जो होता है कि स्ट्रक्चर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको कितनी क्या कंपोजिशन और क्या डायमेंशन और उसके लिए आपको क्या प्रॉपर्टीज रखनी है स्ट्रक्चर की, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। एक वो चीज़ है, देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, अक्सर जो हमारे यहाँ लैक करती है चीज़ के जो डिज़ाइन, पूरी पूरी बिल्डिंग्स हैं और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं वो इंजीनियर की एक्सपर्टीज यूज किए बगैर, किसी प्रोफेशनल इंजीनियर को डिप्लॉय किए बगैर ही हो जाती हैं, वो प्रोफेशनल इंजीनियर की खदमात हासिल किए बगैर ही पूरी पूरी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है तो वो किसी एजुकेटेड स्किल्ड प्रोफेशनल आदमी से सिविल इंजीनियरिंग के या सिविल टेक्नोलॉजी के जो है वो स्किल्ड जो है वो इंडिविजुअल से होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें अगर कोई अनाड़ी आदमी करेगा, कोई मिस्त्री टाइप का बंदा वो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देगा, तो उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद होगी, भले जितना भी एक्सपीरियंस हो। देखें आज से कोई 10 साल पहले कंस्ट्रक्शन होती थी या 20 साल पहले कंस्ट्रक्शन होती थी, तो आज जो कंस्ट्रक्शन है उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, आजकल की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो वो हर मिस्त्री जो है ना वो उस तरह से नहीं काम कर सकता जिस तरह कोई और करेगा, तो वो उसके उसमें जो है वो इस बात को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जो जो भी डिज़ाइन करे बिल्डिंग को वही प्रोफेशनल इंजीनियर हो और उसी के थ्रू वो सारा काम हो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स जो कॉलम्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो भी उसकी जो उसकी प्लेंथ है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, ये इसमें आता है, ये चीज़ें इसमें आती हैं।
ये सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली, अगर सिस्मिक जोन के ऊपर वाकई है वो जगह, वहां पर जल्जले की हिस्ट्री मौजूद है, तो वो फिर जाहिर सी बात है उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें मैं कवर करूंगा। अभी आप लोग इसको जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया उसको स्टडी करें, और इसमें जो है मुझे आपका फीडबैक अपना कमेंट्स में दें। अगर कुछ समझ में नहीं आई है तो हम इसको जो है वो अगर कुछ समझ में आई मुझसे शेयर कर लीजिएगा, तो मैं आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगा इसके हवाले से कि उसको किस तरह से करना है और क्या चीज़ इसमें, जो भी आपको हो मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसके हवाले से प्रोवाइड कर दूंगा। मगर बाकी जो है, अच्छा असाइनमेंट भी जो अभी असाइनमेंट में देने वाला हूँ आप लोगों को, वो असाइनमेंट भी जो है वो इस लेक्चर से मैं दूंगा, तो उसको प्रिपेयर करके रखिएगा। थैंक यू।